बलूचिस्तान, ग्वादर और अब पीओके में भीषण हलचल मची हुई है। आखिरकार सेना उतर गई है, गोलियां चल रही हैं। जानेंगे यहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है। हां, एक तरफ पीओके में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है तो वहीं क्या शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलना चाहता है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, उधार की जूती खैरात का नाड़ा, पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। ये जो पीओके आप देख रहे हैं ना, पीओके बहुमूल्य संपदाओं से भरा हुआ है। इतने खनिज हैं यहाँ पर कि अगर सही तरीके से इसका दोहन किया गया तो पाकिस्तान बहुत आसानी से अपने आर्थिक संकट से निकल जाएगा। यही वजह है कि पीओके की एरिया में चीन की नजर बहुत ज्यादा है। पर पीओके के आम लोगों को क्या मिलता है? पीओके के आम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अभी पाकिस्तान ने बजट अलॉट किया और उस बजट में पीओके के एरिया के लिए बहुत कम पैसे दिए गए, जिसके बाद पीओके में जिसे बिठाया है पाकिस्तान ने अपनी सरकार के रूप में, उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पीओके को आपने बहुत कम बजट दिया है, इतने में क्या होगा, ये बजट तो ठीक नहीं है। पर अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं जहां इसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और छोटे बजट होने की वजह से कई तरह की परेशानियां उठ रही हैं, पर सरकार यहां नजर नहीं आ रही है। सरकार ने पीओके में ये ऑर्डर दिया है कि 34 करोड़ रुपए जो बजट दिए गए हैं उसी पैसे से 72 नई आलीशान गाड़ियां खरीद ली गई है। अब आम जनता को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जहर खाने के भी पैसे इस वक्त नहीं है, सारा पैसा कर्जा का है। पर यहां पर ऑर्डर दी जा रही है आलीशान गाड़ियों की, और इन गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? मर्सिडीज हैं, मैटिक सेडान जैसी लॉन्ग गाड़ियां हैं। पीओके की पाकिस्तानी सरकार के ये शौक उस समय पूरे हो रहे हैं जब पाक अधिकृत कश्मीर में स्कूलों में बच्चों के पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, यहाँ तक कि उन छात्रों को स्कूल में शौचालय भी नहीं मिलता है, न पीने के पानी की सही व्यवस्था है। पीओके के हालात ऐसे हो गए हैं, अब जहाँ पीओके में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वहीं चीन यहाँ पर अपना फायदा देख रहा है। पाकिस्तान को जब चाहिए थे पैसे, पाकिस्तान कर्जा मांगने के लिए गया चीन के पास, बाजवा गए थे। बाजवा के सामने कथित तौर पर 2-3 शर्तें रखी चीन ने, जिसमें से एक शर्त थी कि आप पीओके एरिया को हमें लीज पर दे दो ताकि हम यहाँ पर उत्खनन वगैरह कर पाएं। दूसरी शर्त थी कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सेना को जाने दो। हालांकि दूसरी शर्त बाजवा ने कथित तौर पर मानने में हिचकिचाहट दिखाई। वो इस बात को ये कह के टाल गया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि पीओके को लेकर धीरे धीरे लीज की प्रक्रिया बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने दरअसल चीनी कंपनियों को यहाँ टेंडर देना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ माइनिंग करो। पीओके पूरा खनिज संपदा से भरा हुआ है, अब यहाँ माइनिंग भी होने लगी। अब जरा देखिए, एक तरफ माइनिंग हो रही है, जो पीओके के लोग हैं उन्हें न तो इसका कोई फायदा मिल रहा है न ही रोजगार मिल रहा है। ऊपर से जो पुराने उद्योग थे वो बर्बाद हो रहे हैं। ग्वादर से मछली पकड़ने का उद्योग बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर भी इनके जो खेती बाड़ी थी जिससे ये कुछ कमा लेते थे वो भी बर्बाद हो रहा है। मतलब इस पूरे इलाके का सिर्फ पाकिस्तान दोहन कर रहा है, जिसके बाद पीओके में बवाल उठने लगा। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और प्रदर्शनकारी सड़क पर आने के बाद ये विरोध करने लगे, आजादी के नारे लगने लगे। अब इधर एक हफ्ता पहले क्या हुआ कि पीओके में यूएन की फोर्स लेकर आया था पाकिस्तान। यूएन के लोगों को दिखलाना चाहता था कि हमारे यहाँ पर क्या हालात हैं। अब हुआ ऐसा कि कहते हैं ना कि आपके दिन अगर खराब हो तो आप ऊंट पर ही क्यों ना बैठे हो, कुत्ता काठी लेगा। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। पीओके में उल्टा यूएन की गाड़ी के सामने
सामने ये प्रदर्शनकारी आ गए। इन्होंने कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी सेना वापस जाओ, हम आजादी चाहते हैं। सड़क के बीच में यूएन की गाड़ी रोक दी गई। देख सकते हैं जहां यूएन की गाड़ी रोक कर ये बातें कह रहे थे पीओके के लोग। जिसके बाद यूएन के सामने तो फजीहत हुई ही, पर अब यहां पर पाकिस्तानी सेना को आ गया गुस्सा और पाकिस्तानी सेना को लग रहा है कि यहां पर इलाकों को जबरदस्ती जब्त करना होगा। अब इसी क्रम में पाकिस्तान ने अब यहां पर अपनी सेना भी उतारी है, पुलिस को भी उतारा है। पहले तो यहां गिरफ्तारियां की गई, प्रदर्शनकारियों ने पीओके के लगभग कई इलाकों में ये काम चल रहा है प्रदर्शन का। कहा जा रहा है कि पीओके का कुछ ही इलाका है जो बच गया है और इन प्रदर्शनकारियों ने सड़क वगैरह को जाम करना शुरू कर दिया है। 65 लोगों को पकड़ा है पाकिस्तानी पुलिस ने और अब ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो जाएगा। इसलिए हिंसक हो जाएगा क्योंकि पीओके के पुंछ में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी है, कई लोग घायल हो गए हैं। जब प्रदर्शनकारी मुख्य राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तभी उन पर गोलियां चलाई गई है। वैसे कितने प्रदर्शनकारी मारे गए हैं इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब यहां पर प्रदर्शन बहुत हिंसक होने जा रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है कि पीओके में अब पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। ऊपर से आप देखेंगे यहां और एक बड़ी बात हो गई है, जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ है? क्योंकि यहाँ जो टनल बनाए थे चीन ने, उन टनल में क्रैक आ गया है, मतलब विद्युत आपूर्ति भी यहाँ से बंद हो गई है और जो काम काज उस पावर प्लांट में हो रहा था वो भी बंद हो गया है। कुल मिलाकर पीओके के हालात बेहद बुरे हैं। वैसे ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट भारत के लिए बहुत सही है, पर एक तरफ जहाँ पीओके के अंदर ये हलचल मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ दरअसल उज्बेकिस्तान में होने वाली है एससीओ की बैठक और इस बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ साथ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी शामिल हो रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, आईएमएफ भी लोन देने की बात कह रहा है लेकिन पाकिस्तान को लोन दे नहीं रहा है। और अब तो आईएमएफ ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी है। आईएमएफ ने ये कह दिया है कि आप सऊदी अरब से लिखवा कर लाओ कि हमारे लोन देने के बाद वो $4 अरब आपको देंगे, तब हम आपको लोन देंगे। अब ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ को ये समझाने की कोशिश की कि आपके लोन देने के बाद हमें सऊदी अरब भी लोन देगा और इसी चीज का प्रूफ अब आईएमएफ मांग रहा है। खैर, इन सब गिरती हुई स्थिति के बीच कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलना चाहते और ये मुलाकात हो सकती है एससीओ मीटिंग में हो जाए, क्योंकि एक ही छत में आमने सामने होंगे दोनों देश के नेता। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।